जेन टू ऑल ऑफ यू गाइस, सबसे पहले इस वीडियो को देखो। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। वेरी वेरी हैप्पी ईद, प्लीज हैव अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फूड एंड मेक अ लॉट ऑफ मेरी। तो वीडियो को आपने देखा होगा, उसमें किस तरीके से आलिया भट्ट जो है हिंदू फेस्टिवल दीपावली पे ज्ञान दे रही है, लेकिन ईद पर इसका मुंह बंद है। यानी दीपावली पर अगर आप पटाखे फोड़ोगे तो उससे जानवर डर जाएंगे, आपको पता है। बहुत अच्छी बात बोली इसने, तो इसका मतलब पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। भाई अगर जानवर डर रहे हैं पटाखों से तो कायदे में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। हाँ या ना? ठीक है, इसकी बात हम लोग बिल्कुल मानेंगे, लेकिन जब एक त्यौहार विशेष पर जानवरों को काटा जाता है तब इसका मुंह नहीं खुला, तब इसका मुंह बंद रहा। ये दोगलापन बॉलीवुड में और इसके अलावा मीडिया का एक विशेष वर्ग है, उसमें दोगलापन बहुत मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, वर्ल्ड कप में पूरे खूब पटाखे फूटे जा रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब दीपावली आने वाली है, सभी चैनल वाले और इसके अलावा जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो तुरंत तैयार हो गया है कि भैया दीपावली को किस तरीके से बदनाम किया जाए, और वो स्टार्ट हो चुका है। और आजकल चूड़ियां तोड़ रहा है कि भैया पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है। तो भैया अगर भैया पॉल्यूशन बहुत है तो जो आयोजन हो रहा है वर्ल्ड कप का, उसमें पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उस पर बैन लगना चाहिए। भैया पटाखे वास्तव में गलत है, अगर वास्तव में गलत है तो ठीक है, वास्तव में गलत है तो बात कर रहा हूँ। अगर भैया वर्ल्ड कप के पटाखे बैन नहीं हो सकते तो दीपावली पर पटाखे बैन करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ यार, चलो इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद न्यू ईयर आएगा, पूरा वर्ल्ड उस पर सेलिब्रेशन करेगा और इंडिया में भी सेलिब्रेशन होगा, खूब पटाखे फोड़े जाएंगे। ना तो मीडिया कुछ कहेगा, ना आपका बॉलीवुड कुछ कहेगा, ना इसके अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, एक शब्द नहीं बोलेगा। बस हिंदू त्योहारों पर इनको ज्ञान देना आता है बस। अभी बस ये पॉल्यूशन के लिए तैयार है कि जैसे दीपावली आएगा हम लोग पॉल्यूशन पर चूड़ियाँ तोड़ेंगे। भाई यार, तुम लोग कम से कम शर्म करो, इतना दोगलापंती ठीक नहीं है। या तो भैया हर तरीके के पटाखे गलत हैं, या भैया कोई पटाखा गलत नहीं है। हाँ या ना? तो इतना तो समझा करो भाई। और भैया मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो अपने आप अपने त्योहारों का मजाक बनाते हो, पटाखों पर ज्ञान देते हैं, भैया इन लोगों की आप लोग षड्यंत्र को समझो। ये लोग आपके आपके त्योहारों पर ही ज्ञान दिया जाता है आप लोगों को। भैया जानवर डर रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, या जानवर काटे जा रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, ये डिसाइड करो, है ना? ठीक है, उसके बाद में ये आलिया जैसे लोग हमें त्योहारों पे ज्ञान दें। और वैसे भी इन लोगों की हमें ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, हमारे पास काफ़ी ज्ञान है और हम लोग उस परंपरा से हैं जिन्होंने दूसरों को ज्ञान दिया है, फालतू का किसी से ज्ञान लिया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो पटाखों पर या तो पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए, वर्ल्ड कप वाले पटाखों पर बैन होना चाहिए। और अभी इनकी जो शादी होती है ना, जैसे आलिया भट्ट की शादी हुई थी, या इसके अलावा जितनी भी सेलिब्रिटीज की शादी हुई थी, सब में पटाखे फूटे। भैया उनको उनसे भी पॉल्यूशन होता है, उनसे ऑक्सीजन तो नहीं निकलता ना। तो सभी तरह के पटाखों को या तो बैन करो, या फिर सभी पटाखों को चलने दो। और भैया दीपावली आ रही है और ये जो पॉल्यूशन का जो ज्ञान दिया जा रहा है कि पटाखों से पॉल्यूशन होगा, ये रोना बंद करो यार। हाँ या ना? चलो ठीक है, बाकी समझदार हो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।